हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश में अभी देख करके आए हैं, हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जांच संस्थान बंद हुए हैं। लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो डिनोटिफाई किए गए संस्थान जो बंद किए हैं उनको पहले बहाल करो, उसके बाद आप रिव्यू करो। रिव्यू करने के बाद फैक्ट्स इस तरह के आते हैं कि संस्थान वहाँ पर उचित नहीं है, तो उस बात को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी हमने इसी बात के लिए आग्रह किया कि आप अनाउंस कर दीजिए, आप घोषणा करिए एक बात की, और वो घोषणा ये करिए कि संस्थान जितने भी डिनोटिफाई किए हैं हमने, उनका स्टेटस वैसे ही रहेगा जो कोविड इस कोड ऑफ कंडक्ट से पहले था, और उसके पश्चात हम रिव्यू करने के बाद फिर अगला निर्णय लेंगे। ये अगर कहते तो हम उनकी बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अपनी ओर से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 12,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। क्या मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे? जब तक वो 12,000 पद नहीं भरे जाएंगे तब तक के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं खोलेगा? इस बात पर जवाब देने के लिए मुश्किल है उनको, इस बात पर जवाब नहीं दे पा रहे। हमने कहा जो स्कूल और कॉलेज के जो लेक्चरर की शॉर्टेज आप बोल रहे हैं, उस शॉर्टेज को पूरा करने के बाद ये संस्थान खोलेंगे? विचार करेंगे, अपने लिए तो विचार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया और सोच समझ के जनहित में निर्णय किए थे, उनको इस प्रकार बंद करना हमने कहा कतई भी उचित नहीं है। और जन भावनाओं से सरकार चलती है, जनता की भावना ये है कि संस्थान जितने भी खुले थे, जिनको बंद किया है, आप उनको पुनः बहाल करें, ये हमने उनसे आग्रह किया। और जब मुख्यमंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो हम सदन से वॉकआउट करके बाहर आ। सर, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, मान के चलिए ना, हमने मांग की, स्पीकर साहब ने अलाउ किया, उन्होंने गंभीरता को समझा होगा और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को समझा होगा, इश्यू तो है, इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा हुई। लेकिन जवाब जिस तरह से आना चाहिए था, जवाब जिस तरह से आना चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि जन भावनाओं से चलती है सरकार, तो जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, उनको यही करना चाहिए था कि हम बाद में डिनोटिफाई करने का सोचेंगे जो संस्थान नॉर्म्स के मुताबिक नहीं पाए जाएंगे, लेकिन पहले हम उनको रिस्टोर करते हैं और उसके बाद विचार करेंगे। सर, क्या लेकिन ये परंपरा गलत है? और मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये गलत परंपरा शुरू हो गई हिमाचल प्रदेश में। आने वाले समय में 6 महीने का नहीं, 9 महीने का नहीं, एक साल का नहीं, आने वाले समय में परिस्थिति इस प्रकार की बनेगी कि पहले दिन से इस प्रकार के निर्णय को रद्द करने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 11 दिसंबर 2022 के बाद के सारे निर्णयों पर विचार करेंगे। वर्ष बर्बाद कर दिया उन्होंने इस तरह से, और सिर्फ इसके पीछे सिर्फ एक ही है उनका, अपनी 10 गारंटियों गले में फंसी हुई है। यहाँ से पैसा निकालो, वहाँ से पैसा निकालो, संस्थान बंद कर दो और इस करके जो है ये बोझ कम हो जाएगा, थोड़ा पैसा यहाँ से बचाओ, गारंटी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पूरी होने वाली है। और ऐसे में संस्थानों को बंद करके, ताला लगा करके गारंटी को पूरा करने की इजाज़त हम देंगे भी नहीं। सर, वो अभी भी कह रहे हैं कि क्या अभी जा करके वो जो कॉलेज की उनने घोषणा की उसके लिए प्रक्रिया पूरी की उनने? अभी जा करके बैजनाथ वो गए और बैजनाथ जा करके वहाँ पर होली के मेले में वहाँ पर वीडियो का ऑफिस जो हमने खोला था पालमपुर में जो वीडियो का ऑफिस हमने खोला था और खोल करके वो फंक्शनल कर दिया था और उसके बाद उसको डिनोटिफाई कर दिया था, वहाँ पर उनने अब नए सिरे से खोलने की घोषणा कर दी, तो क्या उसके लिए पहले इस तरह के प्रपोजल लाया क्या? लेकिन देखिए, सुविधा की राजनीति कर रहे हैं वो, और सुविधा की राजनीति के हिसाब से इस प्रकार से हम उनको जो काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। नियम शासन के अंतर्गत चर्चा होगी, इस पर बात नहीं होगी, ये बात होती रहेगी विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, और कानूनी रास्ता भी देखेंगे। नियम 67 के अंतर्गत बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान सरकार के खिलाफ, वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 से ऊपर संस्थान जो डिनोटिफाई कर दिए हैं उनको बहाल करने का था। और उस विषय पर जब हमने विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया तो अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया और उस पर चर्चा अभी चल रही थी। लेकिन मुझे बहुत हैरानी इस बात को लेकर के, जिस जिम्मेवारी के साथ मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और जिन तथ्यों के आधार पर उनको सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखना चाहिए,
वो उस परिस्थिति में नहीं, निर्णय ले लिया है लेकिन अब असमंजस में है, संभाले कैसे, ये परिस्थिति उनके सामने हो गई है। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जनून जैसे एक सवार हो गया, सरकार आने के बाद सीधा संस्थानों को डिनोटिफाई करने के का उन्होंने क्रम शुरू कर दिया और 3 महीने का कार्यकाल उसी दौर में गुजर गया जहां वो संस्थानों को खुले वो संस्थानों को बंद करने का काम करते रहे। आज हमने इस बात के लिए पूछा कि पिछले 50 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने की प्रक्रिया यही रही है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान पहले भी खुलते रहे हैं और एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे एक दिन भी कम जो कोई उसको कम नहीं कर सकता है। आपने 1 साल के पूरे हमारे विकास कार्य के साथ संस्थान जो खोले हैं उनको आपने डिनोटिफाई किया, उनको बंद कर दिया। ये अधिकार सरकार के पास इस तरह का नहीं हो सकता है। आप कोई उसके लिए सर्वे करते, उसके लिए रिव्यू करने के बाद आपके सामने फैक्ट्स आते जिसके ऊपर आप निर्णय करते। 11 तारीख को शब्द लेते, 12 तारीख को निर्णय करके डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया करके जो है उनको सबको बंद कर दिया जाता है। हमने कहा ये तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से परिस्थिति कभी नहीं आई। और दूसरी बात, हमने 5 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में एक बदले की भावना से उस परंपरा को रोकने की एक शुरुआत की थी और पूरे 5 वर्ष में वो परिस्थिति रही कि बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में काम पर पूर्ण विराम लगा। और हम उम्मीद करते थे कि ये भी इस तरह से करेंगे लेकिन सरकार बनने के बाद एकदम उन्होंने जो बदले की भावना से कार्यवाही की है उसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, अब उसमें से करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, चलो ये खोल देते हैं, वो खोल देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, वैसे तरह से कर। हमने कहा आज के पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह का वातावरण बड़ा नाराजगी का। विधायक इस बात को कह रहे हैं, अपने ही विधायक कह रहे हैं और एक ने कह दिया, एक ने लिख करके भी दे दिया है और उसके बाद बाकी अभी खुसर बुजुर कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। विपक्ष का सदन से नहीं चलेगी।